Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं arms का workout घर पे ही जो आप कर सकते हो. इसके लिए आपको चाहिए पड़ेगा सिर्फ एक pair of dumbbell. अब यार dumbbell खरीदना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ. घर पे workout कर रहे हो तो एक dumbbell और resistance band को खरीद लो, बहुत काम आएगा. राइट, तो आज हम आर्म्स का वर्कआउट करेंगे, बाइसेप एंड ट्राइसेप्स, टोटल 6 एक्सरसाइजेस करेंगे, कंप्लीट वर्कआउट. और इसी के साथ टुवर्ड्स द एंड हम बात करेंगे एज इट इज के वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के बारे में. सो बने रहिए इस वीडियो में, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो हमारा वर्कआउट स्टार्ट होता है, पहली एक्सरसाइज जो हम बाइसेप्स की लगाएंगे वो है आपकी नॉर्मल डंबल कर्ल्स. अब ये डंबल कर्ल्स क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि भैया ये तो मतलब गॉड ऑफ बाइसेप्स है. सबसे पहले आप इसको हिट करेंगे, आपका ओवरऑल बाइसेप इसमें ट्रेन होता है. बाइसेप ब्राकियाई के दोनों हेड्स, यानी कि शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड. सो उसके लिए क्या चाहिए आपको, वन पेयर ऑफ डंबल्स. इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आप टोटल 4 सेट्स लगाएंगे. आप इससे पहले वार्म अप जरूर करें, अपनी बॉडी को ओपन जरूर करें, मसल्स को यू नो वार्म जरूर करें. हर सेट में आपको 12 रेपिटेशंस लगाने हैं. तो किस तरीके से आपको करना है, सिंपल सुपिनेटेड पोजिशन में लेके आइए आर्म को, इसीलिए क्योंकि बाइसेप का जो मेन फंक्शन है वो आपके आर्म को सुपिनेट करना. राइट, सुपिनेशन यानी कि आपका जो हथेली है वो सामने की ओर फेस करे. तो इस पोजिशन में आप लगाएंगे चेस्ट अप, चिन अप एंड वन बाय वन. ठीक है, सो एक हाथ से एक बार आप जब लगा रहे हैं तो टोटल कितने लगाएंगे, 12 रेपिटेशन आप ईच साइड लगाएंगे, यानी कि टोटल 24 रेपिटेशंस. अगर आप साइड एंगल से देखें तो ये आपका पोस्चर रहेगा यूं, और चेस्ट अप करेंगे, एल्बोज को लॉक करेंगे, यहां से आप स्टार्ट करेंगे सुपिनेटेड पोजिशन एंड कॉन्ट्रैक्ट, फुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर तक लेके जाएंगे. थोड़ा सा एल्बो आपका आगे जा सकता है, इट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है. स्ट्रेच करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच. अब ध्यान यहां पे क्या देना है आपको, कि ऐसा ही वेट सेलेक्ट करना है जिसमें 12 ही रेपिटेशन आए एक हाथ से, यानी कि आप 20 रेपिटेशन लगा रहे हो. अब डंबल्स आपके पास घर पे बहुत ही लिमिटेड होंगे, तो कोशिश करना कि 7.5-10 kg जिससे आपके 12 रेपिटेशन एक हाथ से आ रहे हैं वही लगाएं. ये रेपिटेशन रेंज इसीलिए रखी गई है क्योंकि ये हाइपरट्रॉफी रेंज है. सो ये एक्सरसाइज आपकी पहली यहाँ पे कंप्लीट होती है. इसके बाद हम लगाएंगे ट्राइसेप्स. अब हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एंटागोनिस्टिक फैशन में वर्कआउट को कर रहे हैं. बाइसेप पहले लगाया, उसके बाद ट्राइसेप. अब ट्राइसेप की पहली एक्सरसाइज आती है आपकी कौन सी, स्कल क्रशर्स. इस तरीके से लेटना पड़ेगा, आप जमीन में इस तरीके से लेटेंगे. अब स्कल क्रशर लगाने के लिए आपको अपने हाथ को स्लैंटेड पोजीशन में लेके जाना है यूं. यहां से स्टार्ट नहीं करना है, बहुत इजी होता है, ये डिफिकल्ट बनाना है. वेट रेजिस्टेंस आपके पास कम है, आपको वेट की सहूलियत नहीं है घर के अंदर, तो फिर आप डिफिकल्ट करिए एक्सरसाइज को, स्लैंटेड पोजीशन में लेके आइए आर्म्स को. ऑटोमेटिकली आपके ट्राइसेप में टेंशन चालू हो गया है. अब देखिए यहां से आप स्टार्ट करेंगे, फुली नीचे लेके जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. जब आप ये कर रहे हैं स्लैंटेड पोजीशन में अपने हाथ को लेके जा रहे हैं, तो आपका ये लॉन्ग हेड है ना, ये स्वीप, ये स्ट्रेच होता है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनेशन और इंसर्शन पॉइंट है वो इस तरीके से है कि ओरिजिनेट यहाँ से स्कैपुला से होता है और इंसर्ट होता है एल्बो में. तो ये डिस्टेंस जब बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली ट्राइसेप की लॉन्ग हेड में टेंशन आना चालू हो जाता है. तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपके लॉन्ग हेड को ट्रेन करती है. सो इस पर्टिकुलर मूवमेंट के भी आपको 12 रेपिटेशंस लगाने हैं और इसके हम लेंगे 4 सेट्स. सो ये दोनों बाइसेप और ट्राइसेप की दोनों पहली एक्सरसाइजेज में हम 4-4 सेट्स लेंगे शुरुआती एक्सरसाइजेज में. सो बाइसेप की दूसरी एक्सरसाइज है हमारी ड्रैग कर्ल्स. अब ड्रैग कर्ल्स लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल डंबल चाहिए और कुछ नहीं. अब फ्रंट एंगल से आपको दिखाऊं तो ड्रैग कर्ल्स कुछ ऐसे नजर आते हैं, सुपिनेट पोजिशन में आर्म्स आपके होंगे और पीछे की ओर आपने यूं ड्रैग करना है अपने एल्बोज को. साइड एंगल से अच्छे से समझ में आएगा आपको, ये देखिए कर्ल करते हुए पीछे की ओर लेके जाना है, कर्ल पीछे, कर्ल एल्बो पीछे. अब ये एक्सरसाइज सेपरेटली मैंने समझाई हुई है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हैं, वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा. अब ड्रैग कर्ल्स जब आप कर रहे हो तो हो क्या रहा है, देखिए आपका नॉर्मल कर्ल्स ऐसे होता है, बाइसेप ब्रैक किया है, अच्छे से ट्रेन हो रहा है दोनों हेड्स. अब जब आप ड्रैग कर्ल्स करते हो तो आपका हाथ क्या है, कर्ल करते हुए पीछे भी जाता है यूं, ये. अब ऐसा करने से जो आपका ओरिजिनेशन पॉइंट है आपके बाइसेप का, ये यहाँ से ओरिजिनेट होता है आपका बाइसेप, तो सबसे ज़्यादा ये ट्रेन होता है क्योंकि आप इस एंगल में शोल्डर को पीछे की ओर एक्सटेंड कर रहे हैं, ये ठीक है.
तो एक्सटेंशन, शोल्डर एक्सटेंशन की वजह से आपका ओरिजिनेशन पॉइंट टारगेट होता है, जो बहुत ही ज़रूरी है आपके बाइसेप में, यहाँ से शुरुआती जो पीक है वो डेवलप करने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत काम आती हैं अगर आप घर पे लगा रहे हो तो। दूसरी चीज़, ज़्यादा वेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें आपको, नॉर्मल 7.5 केजी, 5 केजी से भी बहुत अच्छा पंप इसमें आ सकता है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आप 3 सेट्स करेंगे और हर सेट में आपको 12 रेपिटेशन लगाने हैं दोनों हाथों से। इसके बाद आती है हमारी ट्राइसेप की एक्सरसाइज, वो है हमारी डंबल किक बैक्स। अब ट्राइसेप की ये दूसरी एक्सरसाइज है, देख लीजिए किस तरीके से परफॉर्म करना है। इस तरीके से आप बेंड होंगे, एल्बोज को फिक्स करेंगे और यहां से आपका डंबल किक बैक स्टार्ट होता है। 2 अब डंबल किकबैक्स लगाते हुए क्या हो रहा है, देखिए कौन सा हेड ज्यादा टारगेट हो रहा है। डंबल किकबैक्स जब हम लगाते हैं तो आपका ये लेटरल हिस्सा सबसे ज्यादा टारगेट होता है, उसके साथ साथ आपके लॉन्ग हेड का नीचे वाला पार्ट ये, और आपका हल्का सा मीडियल हेड भी इसमें टारगेट होता है। सो लेटरल पार्ट ज्यादा इसमें पावरिंग रहेगा यूं। तो पहली एक्सरसाइज में हमने लॉन्ग को टारगेट किया, उसके बाद हमने लेटर को टारगेट कर रहे हैं। सो ये दोनों कॉम्बिनेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर मूवमेंट के भी आप 12 रेपिटेशन लगाएंगे और टोटल 3 सेट्स करेंगे। अब हम लगाएंगे बाइसेप की तीसरी और लास्ट एक्सरसाइज, वो है हैमर कर्ल्स। कोई भी बाइसेप का वर्कआउट कंप्लीट नहीं होता जब तक आप न्यूट्रल ग्रिप में, यानी कि अपने ब्रैकियालिस मसल को ट्रेन ना करें, विच इज हैमर कर्ल्स। तो क्या करना है, सिंपली दोनों हाथ से आपको साथ लगाना है यू हैमर कर्ल्स को। 12 रेपिटेशन आपको इसके टोटल करने हैं और 3 सेट लगाने हैं। अब यहाँ पे छोटी सी ट्रिक ये है कि जो आपका डंबल है वो सीधा नहीं, वो हल्का अंदर की ओर जा रहा है। ये देखिए, हल्का अंदर की ओर, स्लाइट इंटरनल रोटेशन करते हुए यू, राइट, इस तरीके से दोनों हाथ से आपको साथ लगाना है 12 रेपिटेशन। ऑलराइट, अब आती है हमारी तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज ट्राइसेप की, वो है आपकी टेट प्रेस। अब टेट प्रेस आपने, मैंने बहुत बार बताया, आपने लगाए भी होंगे, लेकिन इस टेट प्रेस को किस तरीके से लगाना है, सिंगल हैंड यानी कि यूनिलेटरल तरीके से, और आपका जो हाथ है वो रिवर्स रहेगा। ये देखिए इस तरीके का रहेगा, अंडर हैंड रहेगा। जब आप अंडर हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन करते हैं उसी तरीके से आपने अंडर हैंड ग्रिप लेनी है यूं, और उल्टा लेके जाना है। 1 2 3 अंडर हैंड पकड़ना है, ये मीडियल हेड को टारगेट कर रही है सबसे ज्यादा, ये अंदर होता है यहां पे मीडियल हेड, ओके, अंडर हैंड, और यहां तक डंबल लेके जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मीडियल हेड 2। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट्स लगाने हैं, 12 रेपिटेशन दोनों हाथों से, यानी कि 12 इससे 12 इससे। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे एज इट इज के वेक प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के बारे में, जो 80% प्रोटीन है, अनफ्लेवर्ड प्रोटीन, जिसमें कोई भी तरह का एडिटिव्स प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाला गया है और जिसको टेस्ट किया गया है प्योरिटी और हैवी मेटल्स के लिए। ये लैबडोर से भी टेस्टेड है, जिसमें इसको काफ़ी अच्छी रैंकिंग दी गई है। इसके 1 सर्विंग साइज आपका 30 ग्राम्स का है, जिसमें आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको 2.5 ग्राम्स, फैट आपको 1.5 ग्राम्स के आसपास मिलती है। अगर आप इसको एक बैलेंस्ड डाइट और ट्रेनिंग के साथ कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये एक अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। अगर इसकी मिक्सिबिलिटी की हम बात करें तो ये बहुत ही आराम से पानी और दूध के साथ मिक्स हो जाता है। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसका 1 kg का बॉक्स आपको 1184 रुपीज़ का करेंटली इनके वेबसाइट पे या फिर दूसरे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। और गाइस, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कोई प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ट्रेनिंग, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी डाइट कंप्लीट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तभी आपको एक सही रिजल्ट मिलेंगे और साथ ही साथ वो आपके बजट में भी फिट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपका आर्म्स का कंप्लीट वर्कआउट पूरा होता है। आप बाइसेप ट्राइसेप को घर पे ही एक पेयर ऑफ डंबल से आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई गाइस तो प्लीज थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, और जुड़े रहिए इसी तरीके से हमारे साथ। एंड टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।